नमस्कार दोस्तों, आज की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कर सकते हैं गेमिंग एडिटिंग को अपने फ़ोन के अंदर, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में भी देख पा रहे हो। ऐसी एडिटिंग अपने फ़ोन के अंदर कर पाओगे केवल 2 मिनट के अंदर। कैसे करोगे पूरी एक ही चीज़ बताऊँगा, ऐसे किसी ने यूट्यूब में आज तक नहीं बताएगा। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल बेल आइकन प्रेस कर लूँगी। मैं रेगुलर ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको 3 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली। जी हाँ, 3 ऐप्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहले का नाम है काइन मास्टर, सेकंड का नाम है पिक्सल लैब, और थर्ड नंबर अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत कम पड़ेगी इसकी, हो सकता है आपको पड़ सकती है। सो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। थर्ड नंबर का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। तीनों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। एक आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप अपने क्रोम में जाओगे तो आपको सर्च करना है स्ट्रीमिंग मीडिया विथआउट टेक्स्ट। जी हाँ, आपको इसको पहले सर्च कर लेना है, फिर आपको क्या करना है देख सकते हैं आपके सामने। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ कौन सी मुझे जो आपको जो सी डाउनलोड करनी है। जैसे चलिए इस वाले को क्लिक कर देते हैं। आपको अगर इसको डाउनलोड करना है, जैसे कि जाली नहीं, मैं जाली करूँगा डाउनलोड, ठीक है। तो जहाँ पर लिखा है वो www.pngfind.com, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो फाइनली कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ नीचे आपको चले जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। एंड एक सेकंड रुकिए, एंड का इसके बाद चलिए क्लिक कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। एंड ओपन एंड न्यू टैब को क्लिक कर दीजिए, फिर चलिए आपको दिखाता हूँ अब क्या होगा। देख सकते हैं आपका जो कुछ ऐसा आ जाएगा, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आपको किस PNG वाली चाली आपको इमेज ढूंढनी है, एंड www.kispng को क्लिक कर दीजिए। कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड, क्लिक कर दीजिए इनके ऊपर इजीली। एंड फिर यहाँ पे एक सेकंड रुक जाएगी, योर एंड ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है। दिखा देता हूँ आपको, इसका बैकग्राउंड होगा तो अपन इरेज कर लेंगे। इसमें देखिए बैकग्राउंड नहीं है, आप देख सकते काफ़ी अच्छे लग रहा है लुक वाइज। सो अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको अपना पिक्सल लैब आपने जो डाउनलोड किया उसे ओपन कर लीजिए, एंड ओके बटन क्लिक कर दीजिए। जी मेरा सॉरी थंबनेल है। एंड अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इमेज में यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, एंड आपको यहाँ लिखा हुआ है इमेज साइज, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ कस्टम से इसे कस्टम से रख कर देना है, एंड यूट्यूब थंबनेल की साइज में सेट कर दीजिए या फिर किसी में भी कर दीजिए। फिर आपको यहाँ प्लस के मार्क पर क्लिक कर दीजिए और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर दीजिए। सो फाइनली आपने अभी जो सी डाउनलोड करी थी उसको यहाँ पर क्लिक करके ले आइए, और अच्छे जी जो आपका जी यहाँ पर सबको अच्छे से रिसाइज करके यहाँ सेट कर देना है। देख सकते हैं अब आप कहोगे थोड़ा अच्छे दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको यहाँ 4 नंबर वाले चले जाने। जैसे अब यहाँ जाओगे देखिए यहाँ एक ऑप्शन है कलर का, इसको क्लिक कर दीजिए एंड कलर कर दीजिए। आप दिखा देता हूँ आपको, सॉरी गाइस सेक्शन कट गया। एंड कलर कर दीजिए या यहाँ ग्रीन, तो या फिर कलर ग्रीन नहीं या ब्लैक कर, जिस कलर इस कलर में गाइस अच्छे से नहीं दिख रहा है। चलिए अभी अच्छे से दिख रहा है अपन को। अब आपको मैं आपका जिस बैकग्राउंड को मैं बाद में गायब करवा दूंगा, पर अभी रुक जाइए। यहाँ प्लस का मार्क दिया हुआ है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट की ओर चले जाइए, एंड यहाँ पे जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। पहले एक बार फिर से प्लस के मार्क में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पर पेंसिल में जाना है, फिर इसे एडिट कर देना है। एंड यहाँ चलिए मैं अपने जगह नाम डाल देता हूँ TYG, ओके कर दीजिए। एंड अब देखिए इसे आपको इजी स्लाइड करते हुए ले आना है, इस 1 सेकेंड। एंड अब आपको इसको कहाँ रखना है, ऊपर तरफ, सबको अपने ऊपर तरफ लगा के रखता है, पर कैसे अगर आप देखो तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है जी देखने में। तो अब यहाँ पे आइए जहाँ ए लिखा हुआ है, इसका क्लिक कर दीजिए, एंड फिर यहाँ चले जाइए। यहाँ पे देखिए आपको AB करके जो फॉन्ट मिल जाएगा, यहाँ आपको AB के ऊपर क्लिक कर दें जहाँ फॉन्ट लिखा हुआ है, एंड फॉन्ट देखते हैं जी TYG अच्छा लग रहा है आपका। एंड अब आपको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पे देख स्पेसिंग दी हुई है। पहले मैं क्योंकि मेरा नाम थोड़ा छोटा है तो मैं अपने इसमें स्पेसिंग दूंगा, आपका नाम बड़ा हो तो मत दीजिए। स्ट्रोक ओपन कर दीजिए, एंड सारे 3D दें चाहे वैसे 3D प्रिंट भी दे सकते हैं, पर 3D नहीं दूंगा मैं। एंड इसे अब अच्छे तरीके से सेट कर दीजिए यहाँ पे। सो चलिए सेट कर देते हैं अच्छे तरीके से, आप दे सकते हैं अच्छा लग रहा है पर उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, यहाँ एक ऑप्शन रहता है रिलेटिव पोजीशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ देखिए बीच में तो ऑप्शन है मिडल का, देख सकते हैं ऑटोमेटिक मिडल में सेट हो चुका है, आपको इसको दबा के मिडल में सेट कर देना है। अब बात है कलर की, तो कलर यार आप कैसे डालोगे इसमें, तो कलर का ऑप्शन दे रहा है इसमें आपका, जहाँ का लिखा हुआ है कलर,
जैसे ही आप इस कलर का उसमें क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको तीन वर्ड में एक साथ कलर करना है या अलग अलग। तो चलिए मैं अलग अलग कलर करके देखते हैं। नो, चलिए गाइस अलग अलग करके देखते हैं। इधर लो, सेकेंड वाले में करेंगे गाइस ग्रीन एंड थर्ड वाले में करेंगे अपना ब्लू। देख सकते हैं काफ़ी यार अच्छा लग रहा है। या फिर चलिए एक ही कलर रहने देते हैं, कलर एक ही रहने देते हैं, कलर कर देते हैं इसके ऊपर येलो कलर कर देते हैं। बढ़िया अच्छा लग रहा है। अब आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। अब नीचे तरफ आपको क्या लिखना चाहते हैं, जो आपको लिखना पेटीएम हेल्प या जो कुछ लिखना चाहो। तो चलिए मैं लिख देता हूँ लाइक। आप हमारी वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जहाँ जहाँ और वीडियो शेयर भी कर दो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लिख दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है। आपको प्लस के मार्क में जाना है, टेक्स्ट की पर क्लिक करना है, पेंसिल की पर क्लिक करके एडिट कर देना है। इसमें भी सेम वही चीज़ कीजिए चाहिए, एंड इसे अच्छी तरीके से आपको फोल्ड करना है, छोटा मतलब कि सेट हो जाए इसके ऊपर। सो गाइस 1 सेकंड रुके, एंड ये तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है, और छोटा करना पड़ेगा। तो अब आपको अगर मान लीजिए अगर हाँ तो सही सही यहाँ पे एक ऑप्शन है साइज़ का, इसमें जाइए, इसे छोटा 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 अब फिट आ गया होगा। अब आपको यहाँ जाना है फिर से रिलेटिव पोजीशन पे मिडिल, सॉरी ठीक है गाइस मिडिल में चले जाइए और इसे ये कर दीजिए। आप देख सकते हैं अभी हल्का बड़ा है तो उसे रहने दीजिए। फिर आपको चले जाना भाई फॉन्ट के ऊपर। जैसे जो फॉन्ट के ऊपर आप चले जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं आप क्रेडिट रंग देख सकते हैं, जो अच्छा लग रहा है देखने में इसे अच्छी तरीके से आपको दबा देना है ताकि बिल्कुल बाहर ना निकला हो, एंड लुकिंग गुड। ठीक है अच्छा लग रहा है देखने में। एंड अब आपको क्या करना है कि देख सकते हैं जी लाइक शेयर सब्सक्राइब ले चुका है। इसमें भी आप कोई कलर कर सकते हैं या फिर टेक्सचर दे सकते हैं। टेक्सचर मतलब दिखाता हूँ कैसे दे सकते हैं, देख सकते हैं गायब भी हो गया। सो चलिए ये चैप का हो चुका है। अब आपको लिख के डालना है पेटीएम हेल्प और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कुछ ऐसा लिख के डालना है। तो अब इंस्टा के लिए आप कैसे लिख के डालेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। फिर से प्लस के क्लिक कर दीजिए यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर, फिर से पेंसिल के ऊपर। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहें तो मेरी ये टेक्निकल KP नाम से, तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फिर आप यहाँ लिख दीजिए पेटीएम हेल्प, जो नॉर्मल लोग लिखते हैं, मैं वही आपको लिख के दिखा रहा हूँ पेटीएम हेल्प। नंबर डाल दीजिए, चलिए मैं डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मेरा ओरिजिनल नंबर नहीं, ट्राई मत करना। एंड अब आपको इसे यहीं से रिसाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टी करके, मतलब यहाँ देखिए टी करके से आपको बिल्कुल छोटा 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 मुझे ज़्यादा लोगों दिखाई दे पर कम दिखाई दे। एंड कहीं से आपको इसको साइज को थोड़ा छोटा ही रहने देना। एंड फिर आपके यहाँ पर ऑप्शन होता है पोजिशन करके, इससे अपनी कस्टम पोजिशन सेट कर सकते हो। तो आपको पोजिशन के ऊपर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे PX का मतलब कि आपको कितने दूर तक उसे सेट करना है। एंड मेरा ईयरफोन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था जिसके वजह से मुझे ऑडियो डब करना पड़ रहा है। एंड फिर इसे आप अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। जैसे ही आप इसे अच्छे से सेट कर लेंगे सो फाइनली फिर आपको इसे टिक कर देना है। एंड फिर आपको अपना जो इसका साइज़ थोड़ा और रिसाइज कर दीजिए ताकि अच्छा लगने लगे देखने में। एंड प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो चलिए टिक कर दीजिए इसके ऊपर, एंड चलिए सेट कर दीजिए अच्छी तरीके से। आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से सेट करना। एंड फिर आपको जैसे एक बार ध्यान रखना कि आपको जिसको आपको मतलब कस्टमाइज़ करना है उसको आपको क्लिक करके कस्टमाइज़ करना है। आप पेटीएम के लिए थोड़ा मोटा फ़ॉन्ट ले लीजिए AB वैसे फ़ॉन्ट जाके, तो मैं यूज़ करूँगा मेमे फ़ॉन्ट, अच्छा लग रहा है MEME फ़ॉन्ट। सो गाइस इसके बाद आपको ऐसे पेटीएम हल्का अच्छी तरह से बन जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। एंड फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है AB फॉन्ट, थोड़े से मोटे फॉन्ट देना जैसे कि डेज या मेमे फॉन्ट, जो अच्छा लग रहा है ठीक है। अब आपको इसे थोड़ा साइज़ और हल्का सा बड़ा कर दीजिए ताकि थोड़ा अब क्लियर हो जाए। देख सकते हैं काफ़ी लुकिंग गुड। एंड पेटीएम हेल्प को आप कर सकते हैं 3D में, नहीं करना स्ट्रोक दे सकते हैं आप। चलिए स्ट्रोक दे देते हैं थोड़ा सा, अब तब भी चलिए ठीक लग रहा है। एंड आपको इसे अपने हिसाब सेट करना पड़ेगा, मेरा काम बताना और मैं बताते जा रहा हूँ कि आपको कैसे बनाना है। जैसे पेटीएम हेल्प हो चुका है, एंड समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ठीक है। अब टेक्स्ट में जाइए, अब आपको जो कोई लिखना चाहे वहाँ पे साइड में जो आपका चौथा वाला है तो उसमें जैसे आपको मैं लिख देता हूँ, चलिए सब्सक्राइब लिख देता हूँ। आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो सब्सक्राइब लिख दिए, एंड आपको इसे साइड में सेट कर देना है। तो भाई अब मैं साइड वाला नहीं फिल करूँगा, आप खुद फिल कर लेना। एंड मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब आपको फिर से ही 4th नंबर वाले में आ जाना है वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। 4th नंबर वाले में आ जाइए, क्लिक क्लिक ऑन ट्रांसपेरेंट,
देख सकते हैं भाई हो चुका है, आप इसे सेव टू गैलरी कर लीजिए, सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी कर लीजिए। कैसे, फिर से बताता हूँ, ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए एंड सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी, एंड हो चुकी। चलिए अब चलते हैं अपने काइन मास्टर की तरफ, काइन मास्टर जेर अपना, एंड चलिए पहले करके दिखाता हूँ आपको। मैं अपना जाला अलग कर देता हूँ, जेविस्काई सिम में वैसे ही है। लेयर में चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, पिक्सल लैब, ये अपना रहा बना बनाए, देखिए जो भी बनाए। फिर आपको यहाँ क्लिक करना है जी सेकंड वाले ऑप्शन पे, चलिए क्लिक कर दीजिए एंड से यहाँ ऐसा कर दीजिए। आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, एंड आपको इसे पूरे फैला दीजिए। तो चलिए देख सकते हैं मैंने फैला दिया, एंड अब चलिए दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं आप मतलब पूरा हो चुका है तैयार। सो आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लो, एम करते हैं 50 लाइक्स का। सो मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।